हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी व्यूवर्स का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बनाई है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल आप पीनट भी ले सकते हैं, आप जो खाते हो। यहाँ पर ये मूंगफली के दाने हैं, आलू बॉयल्ड है और साबूदाना है। यहाँ पर मैंने जीरा डाला है। जीरा अच्छा से तड़क जाए जब मैंने इसमें हरी मिर्च डालूंगी। ये हरी मिर्च ज़्यादा जलाना नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें आलू डाले हैं। इनको आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा। ये देखिए इसमें हिला रही हूँ मैं आलू। साबूदाने एक प्लेट में, एक किसी थाली में, किसी भी बड़े बर्तन में लेकर साबूदाना, मूंगफली का दाना जो हमने पीस के रखा है ये, और इसमें हम सभी सामान करीब करीब मिला लेंगे। ये शक्कर है, थोड़ी सी शक्कर स्वाद के लिए मिलाते हैं। और अब इसमें यहाँ पर रॉक सॉल्ट डाल रहे हैं हम, जो उपवास का यूज़ किया जाता है नमक, वो डाला है मैंने इसमें। आप लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च डालिए, काली खाते हो तो काली डालिए। ऐसे सब मिक्स कर लीजिए इसको, और मिक्स करके ये कड़ी पत्ता मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया है। थोड़ा कच्चा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी, ये देखिए। और इस सबको मिक्स करके हम रख लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो फ्लेम है उसकी, गैस की उसमें। अब यहाँ पर देखिए थोड़े कड़ी पत्ता मैंने इसमें भी डाले हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, हल्का सा, ये आलू के लिए, सिर्फ आलू के लिए। खिचड़ी में कभी भी साबूदाना पानी यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ आपने थोड़ा भी पानी मिलाया तो वो बिल्कुल लसपसी हो जाएगी, अच्छी नहीं बनती है। यहाँ मैं एक भगोने में पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसका मैं क्या करूँगी आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आलू में थोड़े से सिके हुए खड़े मूंगफली के दाने भी डाले हैं, स्वाद के अनुसार आप जो चाहें। अब ये जो मैंने मटेरियल इकट्ठा किया था, सब मिला के रखा था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो मटेरियल हमने मिला लिया है, ये गैस बंद है इस समय, और इसको हम इकट्ठा मिला के रख लें। तो यदि आप माइक्रोवेव यूज़ करती हो तो माइक्रोवेव में भी इसको एक मिनट में जितना अपने को खाना है उतना गर्म करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, फटाफट खिचड़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब यहाँ पर माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं तो कोई चिपकती नहीं है इसमें खिचड़ी। हम बहुत धीमी आँच है इसमें, और यहाँ पे ये आलू है, मूंगफली के दाने हैं पिसे हुए, वो चिपकने नहीं देंगे। इसके बाद हम इसको गर्म रखने के लिए और मुलायम बनी रहे इसके लिए हम इसको यहाँ पर, ये जो मैंने पानी बॉईल किया है इसके ऊपर रख देंगे। ये पानी जो गर्म पानी बॉईल हो रहा है उसके ऊपर रखने से क्या होता है कि ये पकती भी रहेगी, चिपकेगी भी नहीं, और गरम भी रहेगी और नरम भी रहेगी। ये देखिए इसमें कोई ऐसे लम्स या लड्डू बनेंगे नहीं। आप इसको देखिए, मैं बिल्कुल आपके सामने बना रही हूँ, एकदम खिली खिली, बिल्कुल मोतियों के दानों की तरह है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। आप अब इस समय इसमें हरी धनिया और नींबू भी यदि इस्तेमाल करना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें। मैंने हरी धनिया इसलिए नहीं डाली कि कड़ी पत्ते की खुशबू थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे,
कितनी खिली खिली खिचड़ी है। आप देखिए ये पानी अब ठंडा थोड़ा है तो गर्म, पर बॉईल करना बंद कर दिया, लेकिन खिचड़ी अपनी गर्म ही रहेगी ना, चिपकी है ये इसको अब एक बाउल में मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। अब आप इसको किसी भी प्रकार से सर्व कर सकती हैं, दही ले लें, रायता ले लें, पापड़ ले लें, चिप्स ले लें, हरी मिर्च ले लें। ये देखिए कितनी सुंदर खिचड़ी बनी है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए आप बहुत ही, आप इसको यदि मेरे बताए अनुसार करेंगे, मिला के रख लीजिए। साबूदाना थोड़ा 2-4 घंटे पहले इसको भिगो के रख देते हैं। भिगो के क्या होता है, थोड़ा सा करीब करीब 1 इंच पानी ऊपर रखते हैं और उसके बाद उस पानी को निकाल देते हैं और मामूली थोड़ा सा रहता है बस, और 2-3 घंटे रहने दीजिए।